छत्तीसगढ़ शासकीय माध्यमिक विद्यालय में आज कक्षा 10वीं के छात्र भरतलाल साहू उम्र 15 वर्ष को स्कूल के ही उसके दोस्तों ने बाहर बुलाया। उसके बाद अज्ञात 3 लड़कों ने दोपहर स्कूल से बाहर बेल्ट हाथ मुक्कों से छात्र की पिटाई कर दी, जिसमें छात्र को गंभीर चोटें लगी। गंभीर छात्र को सिविल डिस्पेंसरी शिवरी नारायण इलाज के लिए भर्ती कराया गया। परिजनों व स्कूल स्टाफ ने शिवरी नारायण थाने में जाकर मामला दर्ज करा दिया है। यह पूरा मामला शिवरी नारायण थाना के वार्ड 15 सेठी नगर में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। आपको बता दें कि महीने भर पहले हमारे चैनल ने इस स्कूल की समस्याओं को लेकर खबर चलाई थी, जहां स्कूल के बच्चों ने बताया कि इस स्कूल में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं और न ही अब तक कोई बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल न होने के कारण कोई भी आवारा लड़के सामने बैठे रहते हैं और लड़कियों को अश्लील इशारे करते हैं और इन्हें गंदे कमेंट भी करते हैं, जिससे जो अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं। इतना सब होने के बाद भी शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है। मेरा नाम गुलशन कुमार साहू। क्या कारण है थाना आया? भाई मेरा भाई कल मतलब घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, कोई दो लड़के उसको स्कूल से बुला करके लेकर गए हैं और बाहरी मतलब 2-3 जने ऐसे करके मेरे को पता चला है और इसको बेल्ट वगैरह से मारे हैं। सर तो क्या करने आया थाना आपको? तो कंप्लेंट करने के लिए आए हैं। आपकी कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा, मोर बेटल मारे है तेकर नाम से? कौन मारे है? यहाँ के मन 3-4 जन मारे है। थाना में भी एफआईआर करवा दो। हाँ। का चाहा था आपने? रिपोर्ट चाहा था। और मन को पर कार्रवाई होना चाहिए ना? हाँ। अब घटना कल की है, कल 21 तारीख को भोजन अवकाश के समय जानकारी प्राप्त हुई। हमारे विद्यालय के एक छात्र भरतलाल साहू के साथ कुछ बाहरी लोगों के द्वारा मारपीट की जानकारी प्राप्त हुई और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई हमने उनके परिजनों को सूचना दिया और आज परिजनों के सहयोग से उनके सुझाव से प्राथमिकी दर्ज कराया गया। ये भरतलाल साहू ग्राम दुर्पा का रहने वाला है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिद्धि नारायण में छात्र है। इसको जो है राधे अन्य दो नाम के लड़के जो है स्कूल से बुलवाए थे और बुलवा करके 3 लड़कों ने मिलकर बिना कारण से मारपीट किया है। प्रकरण में धारा जो है 294, 506, 323, 334 भादवी कायम करके पदासाजी किया जा रहा है कि किन कारणों से मारपीट किया है, अपराध कायम करके अंजाम दिया गया है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोंगाला निवासी मुन्ना लाल कश्यप की बॉडी शबरी नदी के झाड़ों में फंसा हुआ मिला। सुकमा जिला मुख्यालय के शबरी नदी घाट के नीचे साइड झाड़ियों में फंसा हुआ बॉडी दिखा। नजदीक में CRPF 2nd बटालियन के जवानों ने नदी में बॉडी फंसा देखकर सुकमा थाना TI को सूचित किया। तत्काल सुकमा थाना TI दल बदल जवानों के साथ गोताखोर लेकर बॉडी को बाहर निकलवाया। वहीं TI ने बताया कि सुकमा से नजदीक ग्राम पंचायत गोंगल निवासी स्वास्थ्य खराब होने के कारण सुकमा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने को 15 तारीख में भर्ती हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में बिना बताए निकल गया। वैसे बीमार मलेरिया सर में चढ़ने के कारण किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था। ऐसा परिवार वालों का कहना है, आज बॉडी सबरी नदी में मिला। मार्ग कायम कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्राम गोंगला के मुन्ना लाल के परिवारों ने पहचान किया। पोस्टमार्टम के बाद परिवारों को शव सौंप दी जाएगा। मुन्ना लाल की उम्र 35 से 38 वर्ष बताई जा रही है। वह राजमिस्त्री का काम करता था। 15 तारीख से लापता की सूचना मिली थी। परिवारों ने लापता की सूचना दर्ज कराई थी। मलेरिया सिर पे चढ़ जाने के कारण किसी को भी पहचानने से मुन्ना लाल इनकार कर रहा था। सुकमा TI नाग ने इस घटना की पुष्टि की। मुन्ना लाल कश्यप पिता खन्ना कश्यप, पत्नी नगनग देवी, छोटे 2 बच्चे हैं। इस घटना की पुलिस विवेचना को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रोहित साहू की रिपोर्ट, सुकमा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीवेड़ा ब्लॉक में एक गांव ऐसा भी है जहां हॉस्पिटल तो है पर डॉक्टर नहीं, स्कूल भी है पर शिक्षक नहीं, शिक्षक एक ही नजर आता है। जी हम बात कर रहे हैं पंखाजुर मुख्यालय के करीबन 40 किलोमीटर दूर ग्राम सीतरम की, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया है लेकिन आज तक डॉक्टर नहीं पहुंचा है। वहीं गांव के प्राथमिक स्कूल की बात करें तो शिक्षक तो 3 हैं पर नज़र सिर्फ एक ही आता है। कोटरी नदी में पुल न होने के चलते बारिश के मौसम में तो आम जनता को परेशानी होती ही है।
वहीं किसी की तबीयत खराब होने पर इलाज के अभाव में लोगों की जान तक चली जाती। अभी हाल में ही इलाज के अभाव में 4 मासूम की मौत हो चुकी है। सीतरम गांव अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में बसा है, जिसका फायदा सरकारी कर्मचारी उठा रहे हैं। कभी नदी में पानी का भराव का बहाना, कभी माओवादी के भय कहकर अपनी सेवा देने से इनकार कर देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में 3 शिक्षक की पदस्थापना है, जिसमें से 2 शिक्षक को कभी कभी 1 घंटा तक दिखाई देते हैं, बाकी के 1 शिक्षक हैं जो उनका कोई अता पता नहीं। वहीं बिजली बिल हाफ होने के बाद भी लोगों को मोटी बिल पकड़ाया जा रहा है। इस संबंध में सीतरम के सरपंच अविंद्र नायक ने कहा कि हमारे गाँव में बुनियादी सुविधा नहीं है, आज तक बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। अस्पताल तो है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल तो है पर शिक्षक नहीं है, बिजली का बिल तो हाफ वोल्टेज है लेकिन बिल पूरा थमाया जा रहा है। कोटरी नदी में पुल नहीं होने के कारण बारिश के समय हमारे गांव में संपर्क टूट जाता है। गांव के लोगों को चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही है और बच्चों को स्कूल में शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में BMO डॉक्टर DK सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां पर वर्कर रोज अस्पताल में रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक वर्कर बिना डॉक्टर नर्स के मरीजों का इलाज कर पाएगा। ऐसा हाल है सीतरम में बने अस्पताल का। आपका नाम क्या है माता जी? गुलाबी चौहान। कौन सा गाँव? सीतराम। आपका क्या परेशानी है आप लोग का गांव में? हम लोग का गांव है अभी तो बारिश में बिजली उजली कुछ नहीं है, फिर डॉक्टर भी आया था वो भी चला गया, नहीं है अभी। कब से नहीं आ रहा है डॉक्टर? डॉक्टर अभी छुट्टी में गया है, आया था 2 दिन था। तो बीमारी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ रहा है? नदी पार होके जाना पड़ता है। कितना दूर गिरता है ऐसे नदी? यहाँ से 10-12 किलोमीटर है बड़ा नदी, कोतरी नदी पार होके जाना पड़ता है। आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है? परेशानी बहुत है हम लोग को। लाइट तो भी लाइट का एकदम बारिश से बंद है, थोड़ा सा अब्दन आने से चिमनी का बराबर भी नहीं। बिजली बिल कितना आता है आपको? आता है 120-90-80 जिसका हजार। स्कूल का बारे में क्या परेशानी आपको? स्कूल के बारे तो परेशानी गुरुजी लोग का पता नहीं है, आते हैं 12 बजे 2 बजे और चले जाते हैं। बच्चे लोग का पढ़े लिखे में कुछ ये नहीं है, अभी 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 पुस्तक बांटे हैं। अभी अभी पुस्तक बांटे? एक जन गुरुजी तो 2-3 महीना हो गया, पता नहीं है गुरुजी का क्या नाम है उनका। क्या नाम है गुरुजी? वो के हैं 3 जन है गुरुजी, लेकिन वो लोग थोड़ा झिक झाक होते हैं, देखा देते हैं, लेकिन एक जन का पता नहीं है। आप लोग इसके लिए अधिकारी को शिकायत की है पहले? इतना बार हुआ वो लोग भी आए थे तो लिख के लिए। क्या नाम है आपका? अजय मंडल। क्या परेशानी है? वो हमारे यहाँ पे बहुत बीमारी का परेशान है, रोड घाट नहीं है और डॉक्टर भी नहीं आते हैं, कम से कम 1 साल हो गया है, 1-2 बार आए उसके बाद में पूरा जंग पर गया है, एक खुलता भी नहीं है कभी, है नहीं। और मरीज को लेके बेठिया बांधे जाना भी मुश्किल होता है। बीच में तहसीलदार अधिकारी लोग आए तो क्या बोल के गए? उसको भी बोले लेकिन वो भी एक बार भेजा और 1-2 महीना से तो आता ही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? अभी वो डॉक्टर अच्छा से अच्छा भेजे ताकि हम लोग अच्छा रह सके, बीमारी उमारी को हटा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविंद्र नायक है, यहाँ का ग्राम पंचायत सीतरम का सरपंच भी हूँ। तो ये आपका सर पंचायत में क्या परेशानी है? सब परेशानी मेरा पंचायत में ही परेशानी है, जबकि हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, बन गया उसके बाद में दवाई भी कुछ रखे हैं, लेकिन इसमें कौन डॉक्टर है, कौन ड्यूटी करने वाले हैं किसी का पता नहीं है। बीच में जैसा तहसीलदार साहब लोग भी आए थे, उसमें वहाँ से 3-4 दिन रखे थे एक लड़का को, उसका भी अभी गोल हो गया है, वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं, बहुत परेशानी। मरीज आते हैं फिर अगर बिठिया बांधे ले जाएंगे बोलने से आने जाने का कोई साधन नहीं है, रास्ता नहीं है। आपका गांव वाले का कहने के अनुसार बिजली का भी यहां पे दिक्कत हो रहा है, क्या बिजली का तो क्या बताओ, बिजली के बारे में बोलते बोलते हम लोग शिकायत करते करते बिजली ऑफिस में भी जाते हैं, बोलते हैं ठीक है हम लोग आएंगे सुधारेंगे बोल के बोलते हैं, लेकिन कभी सुधरता नहीं है न सुधारते नहीं है। और मात्र जब जलता भी होगा, जलता है थोड़ा बहुत, एकदम चिमनी भी ज़्यादा जलता है। बिजली बिल कितना आता है? बिजली बिल तो किसी के पास आता है 900, 1100, 1100, 1200 तो आता है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विजय साहू की रिपोर्ट, कांकेर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में डोंडी लोहारा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत झोलझर के पास वन विभाग की सक्रियता के कारण नाइट गश्त के दौरान सागौन चिरान से भरी बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी डोंडी लोहारा अज्ञे सिंह ठाकुर ने बताया कि ठंड के मौसम की शुरुआत में वन तस्कर सक्रिय हो जाते हैं, इसको देखते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी MS डोंगरे के निर्देशानुसार नाइट गश्त को तेज किया गया। इस दौरान
खोलझर के पास रात्रि 11 बजे के आसपास शक के आधार पर बोलेरो पिकअप को रोका गया। इस पर वन विभाग की टीम को देखते हुए दो वन तस्कर गाड़ी को कूदकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए, लेकिन ड्राइवर को टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गाड़ी की जाँच के दौरान 41 नग सागौन चिरान, जिसकी अनुमति केवल लगभग 50,000 का लगाया गया है, सागौन चिरान के भरी पिकअप को जब्त कर लिया गया और कार्यालय परिसर में रख दिया गया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पिकअप को राजसात करने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं फरार तस्करों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। वनपुर क्षेत्र अधिकारी महोदय श्री एम एस डुमरे के मार्गदर्शन में हम लोग दिनांक 19/10/2019 को रात्रि में रात्रि कस्बे में अपने सहयोगी स्टाफ के साथ में था। उसी समय फुलझर से लोहरा मार्ग पर फुलझर मोड़ के पास में एक वाहन आती हुई दिखाई दी, जिसे हम लोग रोक कर चेक किए तो रोकने पर उसमें से दो व्यक्ति जो अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए मौके से। वाहन चालक को पकड़ा गया। वाहन चालक द्वारा फिर पूछताछ हुई। वाहन चालक से पूछताछ की हम लोगों ने तो वाहन चालक ने बताया कि उसमें कहते हैं इसमें दो व्यक्ति और बैठे थे, वो लोग भाग गए हैं। और फिर हम लोग वाहन को चेक कर मतलब रोक कर जाँच किए। वाहन के अंदर में सागौन के चिरान भरे हुए थे, जिस संबंध में हम लोगों ने वाहन चालक से पूछताछ की। वाहन चालक द्वारा बताया गया कि जो चिरान जो उसमें भरी हुई है गाड़ी पे, वो चिरान में यहाँ नलपानी से बिंदु मार्ग के बीच में वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा भरा गया है। और वो भर के जो व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे उन्होंने उनके द्वारा मतलब वहाँ पे ले सिरपुर जाने के बारे में बताया गया था। तो मैं उसको सागौन चिरान को वहाँ से सिरपुर लेके जा रहा था। अभी जाँच कार्रवाई चालू है और जाँच में अभी दो लोगों का नाम आया हुआ है, जिसमें से एक तो वाहन चालक है और एक लोहरा निवासी कोई गणेश नहीं है, तो उन दोनों का नाम आया है। उसके अलावा और भी नाम आए हैं जिसमें उनका नाम अभी मतलब पूरी तरह से पता नहीं चला है। कितनी मात्रा में थे उसमें जब हम लोग ने यहाँ पे लाके उसका नाप जोख किए हैं तो उसमें 41 नग सागौन चिरान मिला है, जो कि 0.330 घन मीटर और उसमें घन फिट में 11.555 घन फिट है। कीमत कितनी होगी उसकी? अनुमानित कीमत लगभग 50,000 के आसपास। इस पर किस प्रकार कार्रवाई करेंगे? इसमें अभी वाहन का रासात की कार्रवाई के लिए मतलब उसमें लेट किया गया है अधिकारियों को महोदय को, और को कोर्ट में चलान भी किया जाना है मुकदमों का। पूरी जांच के बाद में ये सब कार्रवाई होगी। परिचय दे। मैं अजय सिंह ठाकुर, सहायक वन पर क्षेत्र अधिकारी लोहारा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बालोद।